हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यदि एमएस ऑफिस के टूल बार वाली विंडो शो ना हो रही हो तो कैसे शो कराएंगे। इसको बताने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है और इसमें मैं आपको बताऊंगा यदि ये टूल बार वाली विंडो, टूल बार वाली विंडो होती कौन सी है आप देख लीजिए। ये माउस पॉइंटर मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पर, ये होती है टूल बार वाली विंडो। नीचे भी होती हैं क्लिप आर्ट वगैरह की। तो यदि वो विंडो शो नहीं हो रही है तो उसको मैं कैसे शो कराऊंगा, उसके भी कई ऑप्शन हैं, कई तरीके हैं जहां से आप उस विंडो को शो करा सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि यदि वो विंडो शो नहीं हो रही है तो आप यहां पर ये टूल बार के पास आप यहां पर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टूल बार के नाम शो हो जाएंगे। इसके माध्यम से आप जो भी टूल बार की विंडो चाहिए, जैसे कि मान लो नीचे हमें ड्राइंग वाली विंडो नहीं आ रही है जिसमें क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट होता है, मैंने वहाँ पर चेक मार्क लगाया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ड्राइंग वाली विंडो शो हो गई है। यदि आपके जैसे ड्रा टेबल और इंसर्ट टेबल की विंडो नहीं आ रही है तो सेम वैसे ही खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर टूल बार के पास में, किसी भी टूल बार के ऊपर नहीं करना है, टूल बार के पास यहाँ खाली जगह में राइट क्लिक करना है। यहाँ टेबल एंड बॉर्डर में पहले से चेक मार्क लगा हुआ है, इसको यदि आप हटा देंगे तो टूल बार हट जाएगा वहाँ से। जैसे ये देख रहे हैं ये टूल बार ओपन है, ये माउस पॉइंटर आप देख ली यहाँ पर, ये टूल बार टेबल एंड बॉर्डर का ओपन है। यदि मैं यहाँ से चेक मार्क हटा दूंगा तो ये टूल बार यहाँ से चला जाएगा। इस तरीके से आप टूल बार को इंसर्ट करा सकते हैं और टूल बार को हटा सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए आप मीनू बार के द्वारा। मीनू बार में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस मीनू बार के अंदर ये ऑप्शन होता है, तो ये होता है व्यू के अंदर। व्यू वाले मीनू बार को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद टूल बार वाले, ये देखिए आप टूल बार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएंगी। जो भी आपको टूल बार शो कराना है, जैसे अभी हमने ड्रा टेबल और इंसर्ट टेबल के लिए टेबल एंड बॉर्डर का टूल बार हटा दिया था, अब हमको पुनः वो टूल बार चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टेबल एंड बॉर्डर में चेक मार्क लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये टेबल और बॉर्डर का टूल बार शो हो गया है। यहाँ से आप ड्रा टेबल इंसर्ट टेबल वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपको टेबल बनानी है आप टेबल ड्रा कर लीजिए या कोई भी टूल बार इस तरीके से शो नहीं हो रहा है। जितने ये टूल बार हैं ये सब आप हटा भी सकते हैं, आप चेक मार्क हटा देंगे तो टूल बार हट जाएगा और चेक मार्क लगा देंगे तो टूल बार वापस आ जाएगा। इसी तरीके मैं आगे भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो लेटेस्ट वर्जन 2007 लेब्रा ऑफिस, ये सारे वीडियो बना करके मैं अपने इसी चैनल पर पोस्ट करूंगा और विद प्रैक्टिकल मैं बताता हूं जैसे मैं शो कर रहा हूं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो